परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। साल 2007 में योगी संसद में क्यों रोए थे? 2007 में आखिर किसने योगी जी को रुलाया था? इस वक्त मोदी जी के बाद भारतीय राजनीति का दूसरा सबसे लोकप्रिय चेहरा क्यों आंसुओं से भीग गया था? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे योगी आदित्यनाथ फूट फूट कर रो रहे थे? दोस्तों 2007 की ये वीडियो तो आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी, जिसमें योगी आदित्यनाथ के आंसू झलक रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की असली वजह क्या थी और क्यों अपनी कट्टरता और बुलंद अंदाज के लिए पहचाने जाने वाला शख्स रोने पर मजबूर हो गया था, और योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी का क्या रिश्ता है, आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूं। बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों हम कुछ भी बताएं उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। सर मुझे योगी जी, We all respect you. Please, you feel we shall certainly look into it. मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। वादा पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता, और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर ISI और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। हमें पूरा यकीन है आप लोगों ने इस वीडियो को पहले जरूर देखा होगा। आपको बता दें इस वक्त मुख्यमंत्री की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ ऐसे ही नहीं बैठे हैं, बल्कि साल 2007 में वो तीसरी बार के लोकसभा सांसद थे, तीसरी बार उन्हें चुना गया था। लेकिन फिर भी वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में वो सुरक्षित नहीं है। उन्होंने समाज के लिए अपना घर बार परिवार सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन फिर भी लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे में इस वीडियो को देखने के बाद क्या कभी आपने सोचा था कि योगी आदित्यनाथ को रुलाने वाला कौन था? आखिर ये नौबत कैसे आ गई कि वो इतने भावुक हो गए? दोस्तों योगी जी के आंसुओं के पीछे का जो कारण है वो बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाला है। असल में ये बात है जनवरी 2007 की, जब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी, और इसके बाद गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार कर लिया गया था और वो पूरे 11 दिनों तक गोरखपुर की जेल में बंद थे। उन्हें लेकर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। दोस्तों गोरखपुर में ये सांप्रदायिक हिंसा इसलिए हो रही थी क्योंकि वहां पर मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक हिंदू समुदाय के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। उस व्यक्ति का नाम था राजकुमार। अब राजकुमार मुहर्रम के जुलूस में कैसे शामिल हुआ, इसे लेकर अलग अलग बात कही जाती है। लेकिन इन सभी बातों में एक बात जरूर है कि जब राजकुमार नाम का यह व्यक्ति मुहर्रम के जुलूस में शामिल हुआ, तब पुलिस ने इसे हिरासत में लेकर अपनी गाड़ी में बैठा लिया,
लेकिन फिर बाद में जुलूस में शामिल भीड़ ने इस व्यक्ति को गाड़ी से बाहर घसीटा और फिर पीट पीट कर सबके सामने खुलेआम उसकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद से ही गोरखपुर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने धरना देने का ऐलान किया, विरोध प्रदर्शन शुरू किया। यहां तक कि उस वक्त योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नफरत फैलाने वाला भाषण देने का भी आरोप लगा। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी का ऐसा कहना है कि वो इस घटना के दौरान गोरखपुर में मौजूद नहीं थे, वो उस समय कुशीनगर में थे, लेकिन धरना देने के लिए सड़क के रास्ते से वो अपने सांसदीय क्षेत्र गोरखपुर लौट रहे थे। लेकिन जैसे उन्होंने गोरखपुर में प्रवेश किया, उसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के उस वक्त के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निर्देश पर हुई थी। जी हां, उस समय उत्तर प्रदेश में सपा सरकार चल रही थी और योगी आदित्यनाथ भाजपा के सांसद थे, जिसकी वजह सपा सरकार को वैसे भी योगी आदित्यनाथ का धरना हजम नहीं हो रहा था, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। ये कहा जाता है कि उस वक्त योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी राजनीति का नतीजा थी, क्योंकि उस वक्त उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले थे और राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को ऐसा लगता था कि अगर वो योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी करवा देते हैं और उन्हें जेल में डाल देते हैं तो इस बात से मुस्लिम समुदाय खुश हो जाएगा और उन्हें चुनाव में मुसलमान के भारी संख्या में वोट मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की इसी राजनीति की वजह से योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार कर लिया गया था और पूरे 11 दिनों तक जेल में रखा गया था। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज तो यह है कि जिस जगह से उन्हें गिरफ्तार किया गया था, वहां से गोरखपुर जेल लगभग 5 किलोमीटर दूर थी, लेकिन ये 5 किलोमीटर का रास्ता तय करने में पुलिस को पूरे 7 से 8 घंटे लग गए। जहां इतने लंबे समय में योगी आदित्यनाथ को डराने की बहुत कोशिशें की गई, यहां तक कि उन्हें पूरे रास्ते प्रताड़ित भी किया गया, अपमानित भी किया गया। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद होने के बावजूद भी प्रताड़ना झेल रहे थे, उन्हें लगातार जानलेवा धमकियां मिल रही थी। और इसी घटना का जिक्र करते हुए जब वो संसद को जानकारी दे रहे थे तो उनके जज्बात आंसू के रूप में पूरे देश ने देखे थे। पर दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि उस समय लोकसभा में ज्यादातर पार्टियों ने उनका ही समर्थन किया, फिर चाहे वो विपक्ष हो या फिर पक्ष हो। जहां तमाम राजनीतिक दलों ने यह कहा था कि एक सांसद को इस तरह गैर कानूनी तरीके से जेल में डालना न केवल गलत है बल्कि असंवैधानिक भी है, पर यह सब कुछ हुआ और सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार को उस समय मुसलमानों के वोटों की चिंता थी। उन्हें लगता था कि अगर वो भगवा पहनने वाले सन्यासी हिंदू नेता को जेल में डाल देंगे तो राज्य के मुसलमान खुश हो जाएंगे और समाजवादी पार्टी को वापस से सत्ता में ले आएंगे। सबसे ज्यादा दुख की बात तो यही है कि जब योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था, उस समय वहां पर माफिया अपराधियों को खुली छूट मिली हुई थी। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे, वहीं कुछ ऐसे अपराधी थे जो लगातार ऊपर उठ रहे थे और इन अपराधियों में अतीक अहमद के अलावा मुख्तार अंसारी का नाम भी शामिल है। जहां मुख्तार अंसारी अतीक अहमद से भी ज्यादा बड़ा और खौफनाक अपराधी था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस अपराधी को खुलकर सपोर्ट किया, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में कई सारे सांप्रदायिक दंगे हुए। यहां तक कि एक जमाने में मुख्तार अंसारी ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर जानलेवा हमला करने की साजिश भी रची थी। ये बात साल 2008 की है, जब गुजरात में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। इसके कुछ अपराधियों को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में गिरफ्तार किया गया था। उस समय योगी आदित्यनाथ इस घटना को लेकर काफी दुखी थे और उन्होंने आजमगढ़ में एक आतंकवादी के खिलाफ रैली करने का ऐलान किया। इस रैली में शामिल होने के लिए वो जिस काफिले से गोरखपुर से आजमगढ़ आ रहे थे, उसमें 100 से ज्यादा गाड़ियां थी। ये बहुत बड़ा काफिला था, पर इसी दौरान रास्ते में उनके काफिले पर मुख्तार अंसारी के लोगों ने पथराव कर दिया। यहां तक कि जिस गाड़ी में योगी आदित्यनाथ के होने की खबर थी, उस पर अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। वहां पर काफी तनाव पैदा हो गया, कई सारे लोगों की जान भी चली गई, लेकिन योगी आदित्यनाथ बच गए क्योंकि उन्होंने बिना किसी को बताए अपनी गाड़ी बदल ली और ये सब कुछ मुख्तार अंसारी ने करवाया था। दोस्तों,
वो वक्त कुछ और था जब उत्तर प्रदेश में आतंकवाद का राज चलता था, लेकिन अब लीडर की कुर्सी पर स्वयं योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, जिन्होंने काफी परिश्रम झेल कर उस मुकाम को हासिल किया है। आपका योगी आदित्यनाथ के जीवन पर क्या कहना है कमेंट में बताइएगा, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।